हेलो फ्रेंड्स, सुनीति डिजाइंस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें बताऊंगी फ्रेंसिस कट ब्लाउज की कटिंग करना। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये है हमारा अस्तर वाला कपड़ा। अस्तर वाले कपड़े को हमने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है। तैयार लेंथ रखनी है हमें 14 इंच, तो यहाँ पे हम 15 इंच लेंगे, 1 इंच लेंगे हम सिलाई के लिए। शोल्डर रखने हैं हमें 6.5 इंच और आर्म होल भी हमें 6.5 इंच रखने हैं। निशानों को सीधा कर लेंगे। चेस्ट रखनी है हमें, चेस्ट है हमारी 36 इंच, तो 36 का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 2 इंच लेंगे मार्जिन का। निशानों को सीधा कर देंगे। वेस्ट है हमारी 28 इंच, तो 28 का चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 1 इंच लेंगे पीछे टक्स के लिए, 2 इंच का लेंगे मार्जिन। निशानों को सीधा कर लेंगे। 1.5 इंच पे आर्म होल की शेप देंगे। नेक विड्थ रखनी है हमें 4 इंच। लेंथ रखनी है 10 इंच। एक बॉक्स सा बना लेंगे, यहाँ से 2.5 इंच लेना है। हम मटके की शेप दे रहे हैं। इस तरह से बैक पार्ट को रख के ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट हमने रख लिया है, इसके बराबर मार्क कर लेंगे इस तरह से। एक इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे हम पीछे के बराबर मार्क करेंगे। नेक विड्थ लेनी है 4 इंच, लेंथ लेनी है 6 इंच। टक्स पॉइंट लेना है 10 इंच पे, यहाँ से हमें 4.25 इंच लेना है, यहाँ से लेना है 3.5 इंच। निशानों को सीधा कर देंगे इस तरह से। हमें 2 इंच की टक्स डालनी है, तो एक इंच दोनों तरफ से लेंगे। इसको सीधा कर देंगे। यहाँ से सीधा कर देंगे, यहाँ से 1/2 इंच लेंगे। इस तरह से 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे और 2 इंच यहाँ से लेंगे। हल्के हाथ से प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे।
यहाँ से आधे इंच पे शेप देंगे इस तरह से। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। हम आगे फ्रंट पार्ट को हमने आमने सामने रख रखा है, अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, इस तरह से सिलाई लगानी है। कप का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है, तो हम इस तरह से निकालेंगे। पहले कप को फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरह से। यहाँ हमारा टक्स पॉइंट है, उस जगह हमें अटैच करना है कप को इस तरह से। यहाँ पे हम टक कर देंगे कप को। एक यहाँ पे भी टक करेंगे हम। बहुत ही सिंपल तरीका है कप अटैच करने का, बहुत ही आसानी से इस तरह से कप अटैच हो जाता है, बहुत ही फिनिशिंग आती है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कप अटैच हो गया है। अब ऐसे ही हम दूसरा कप अटैच कर लेंगे और मेन फैब्रिक पे रख के अस्तर को टक पिनअप कर लिया है। अब हम गले की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। छोटे छोटे से कट लगा लेंगे इस पर। अब इसके ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ
यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है वो उसे निकाल देंगे। इस पर सिलाई लगा देंगे। बेल्ट लगा देंगे, कमर पट्टी लगा देंगे नीचे। शोल्डर अटैच करेंगे। अब इसमें आर्म होल पे हम पट्टी लगा देंगे इस तरह से। अभी हम यहाँ पे वेस्ट और चेस्ट की मेजर करके सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।